इन्फिनिक्स के साथ इन्फिनिक्स का 08 स्मार्टफोन जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, मीडियाटेक हीलियो G90T जिसमें प्रोसेसर होगा, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, 44+8 का फ्रंट कैमरा, 64 मेगापिक्सल का पीछे की तरफ आपको प्राइमरी रियर कैमरा देखने को मिलेगा और साथ में आपको होगा यहाँ पे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। ये स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है एंड अब ये स्मार्टफोन TKDN सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी सर्टिफाई हो चुका है। दैट मीन्स एशियन कंट्रीज में जल्दी ही इन्फिनिक्स 08 आने वाला है और इंडिया में भी ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं ओप्पो की तरफ। ओप्पो A5 2020 जो स्मार्टफोन था, एक एंट्री लेवल स्लैश मिड रेंज स्मार्टफोन था, इसका सक्सेसर लॉन्च होने वाला है सितंबर में इंडिया में एंड 91 मोबाइल्स ने एक एक्सक्लूसिव लीक किया है। वो कह रहे हैं ओप्पो A6 जो होगा स्मार्टफोन 10,000 रुपए के आसपास इसकी प्राइसिंग होगी। अब अगर आप ओप्पो के स्मार्टफोन्स में इंटरेस्टेड हैं, ऑफलाइन सेंट्रिक मार्केट, ऑफकोर्स मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि ऑफलाइन मार्केट में ओप्पो, वीवो, सैमसंग इन तीनों ही कंपनीज का अच्छा खासा प्रभुत्व है, प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। सो अगर आप एक ओप्पो का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, एंट्री लेवल बजट स्मार्टफोन 10,000-12,000 के आसपास, ओप्पो A6 आपको सितंबर में इंडिया में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं वीवो की तरफ। वीवो का एक नया स्मार्टफोन वीवो S1 प्राइम, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि ये स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इसकी स्पेसिफिकेशंस अब लीक हुई हैं। एज पर द लीक स्पेसिफिकेशन शीट, वीवो S1 प्राइम में हमें मिलेगा 6.3 इंच का सुपर एमोलेड पैनल, 6GB/8GB रैम, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर, जो कि एक अगेन डेटेड प्रोसेसर, आई डोंट नो वीवो यहां पे क्या सोच रहा था, बट स्टिल एंड्रॉइड 10 आपको देखने को मिलेगा, फन टच ओएस 10 स्किन, साथ में मिलेगी आपको 4500 mAh बैटरी और 18 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग। अब ये स्मार्टफोन पीछे की तरफ फिर वही यू नो वो जो डायमंड शेप्ड कैमरा था जो कि इन्फिनिक्स 08 में भी था, सच अ कोइंसिडेंस हियर, यहां पे भी आपको ये डायमंड शेप्ड कैमरा देखने को मिलेगा। इसके कुछ पोस्टर्स वगैरह भी लीक हुए हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आई डोंट नो इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, आप बताओ। वैसे मेरे हिसाब से अब प्रोसेसर की बात की जाए तो यार वीवो S1 प्राइम में एक डेटेड प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665, ये चीज मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आई, बट स्टिल देखते हैं कंपनी इसकी प्राइसिंग कैसे सेट करती है। ये तो बात की बात रही, रिव्यूज वगैरह सेकेंडरी हैं, पहली चीज है लीक। मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि वीवो S1 प्राइम स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नोकिया की तरफ। नोकिया ने कुछ टाइम पहले अपना एंट्री लेवल नोकिया C3 स्मार्टफोन लॉन्च किया चाइना में। अब लग रहा है कि 4 नए स्मार्टफोन्स नोकिया के जल्दी आने वाले हैं एंड ये ज्यादातर एंट्री लेवल और मिड रेंज स्मार्टफोन्स होंगे। इनके मॉडल नंबर हैं TA1239-1258 बाय द वे नोकिया C3 है, नोकिया TA1298 और 1292, चार अलग अलग मॉडल नंबर हैं। ये ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आ चुके हैं, दैट मींस ग्लोबल लॉन्च इन चारों स्मार्टफोन्स की जल्दी ही होने वाली है। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ है। मैंने आपको कुछ टाइम पहले से बता रहा हूं कि सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, कुछ सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पे ऑलरेडी स्पॉट किया जा चुका है। अब सर्टिफिकेशन वेबसाइट छोड़ो, सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे, मतलब कि इनका जो सपोर्ट पेज है वहां पे सैमसंग गैलेक्सी M51 लिस्ट हो चुका है, लॉन्च डेट इमिनेंट है। इंडिया के सपोर्ट पेज पे बाय द वे अभी नहीं आया, रशिया और 2-3 अलग अलग कंट्रीज में सैमसंग गैलेक्सी M51 का सपोर्ट पेज ऑलरेडी लाइव किया जा चुका है, बट यस इंडिया में भी सैमसंग गैलेक्सी M51 हमें जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ। Xiaomi ने एक नया डोर एंड विंडो सेंसर 2 लॉन्च कर दिया चाइना में। इसकी प्राइसिंग रखी गई है 39 yuan, 400 रुपए के आसपास, 400-500 रुपए का ये सेंसर लॉन्च हुए चाइना में। अब ये अगर इंडिया में आ गया तो इसको पता नहीं कितने लोग ओवर प्राइस कहेंगे, बट यस इंपॉर्टेंट चीज है डोर और विंडो सेंसर। Xiaomi को आई बिलीव ऐसी चीजें भी इंडिया में लॉन्च करनी चाहिए। और साथ ही साथ Xiaomi की जो प्रॉब्लम्स, ऑनगोइंग प्रॉब्लम चल रही है सिक्योरिटी, प्रिवेसी, चाइनीज एप्स वगैरह की, वो अभी हाल फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही, बिकॉज एक रेडिट यूजर ने Xiaomi के एक स्मार्टफोन में एक नई प्रॉब्लम, एक नई वल्नरेबिलिटी को लोकेट किया। एज इट टर्न्स आउट Xiaomi का एक स्मार्टफोन जिसमें गुडिक्स का अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, गुडिक्स का स्कैनर सिस्टम जो है सैमसंग के स्मार्टफोन्स में यूज हुआ है, OnePlus में यूज हुआ है, नॉर्ड में, बहुत सारे अलग अलग जगह पे यूज होता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक हिडन एक्टिविटी, जो बहुत सारी एक्टिविटीज एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में होती हैं, उन एक्टिविटीज में गुडिक्स का जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसका रॉ फीड दिख रहा है, मतलब आप यहाँ पे ऐसे लगा रहे हो, अंगूठा लगा रहे हो और आपका फिंगरप्रिंट जो है वहां पे लाइव दिख रहा है। अब आई डोंट नो हाउ इनसिक्योर दिस इज, बट स्टिल यू नो कंपनीज को ऐसा नहीं करना चाहिए। मिशाल रहमान ने भी इस चीज को पॉइंट आउट किया, XDA के जो मेंबर हैं, वो कह रहे हैं OEMs really should not be leaving
दीज डीबग एप्स इन प्रोडक्शन बिल्ड्स। अब ये Xiaomi के एक स्मार्टफोन में ऐसा इशू आया है, पता नहीं कितने स्मार्टफोन्स में है, ये तो अभी Xiaomi है, इसके अलावा पता नहीं कौन कौन से स्मार्टफोन्स में ऐसी चीजें चल रही हैं। आई वुड सीरियसली जेन्युइनली रिक्वेस्ट ऑल दीज ब्रांड्स कि ये सारी चीजें फिक्स की जाएं। अगर प्राइवेसी हम लोगों के लिए कंसर्न है, होना भी चाहिए, तो ऐसी चीजें हमारे स्मार्टफोन में हम एक्सपेक्ट नहीं करते। आपका क्या कहना है वैसे इस बारे में, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं Xiaomi के सब ब्रांड Redmi की तरफ। Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, Redmi K30 Extreme Commemorative Edition के बारे में Xiaomi के ऑफिशियल्स ने फाइनली कंफर्मेशन दे दी है। Lee Jun ने खुद कहा है कि Redmi K30 Extreme Commemorative Edition जो होगा, इट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द Redmi K30 Pro स्मार्टफोन। Redmi K30 Pro का ही एक रीडन रीबैस्ट वेरिएंट होगा, कुछ एडिट स्पेसिफिकेशंस फीचर्स होंगी, बट मोर ऑर लेस आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो कमेमोरेटिव एडिशन है वो Redmi K30 के जैसा ही होगा। ज्यादा कुछ ड्रास्टिक चेंजेस यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ फिर से, एंड ये न्यूज इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इंडिया के लिए है। Xiaomi का Mi Note 10 Lite स्मार्टफोन, जो कि एक अच्छा खासा स्मार्टफोन था, बहुत सारे लोगों को पसंद आया था, एंड पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि कब लॉन्च होगा। अब एक लीक्ड कोड स्निपेट द टेक गाय करके एक पर्सन है, उन्होंने ट्विटर पर लीक किया और उसके बाद XDA डेवलपर्स ने इसको कन्फर्म किया है। वो भी कह रहे हैं कि हमारी पुरानी जो न्यूज है उससे ये मैच करता है। तो Mi Note 10 Lite एज पर दिस पर्टिकुलर कोड स्निपेट विल लॉन्च इन इंडिया एज Mi 10i। अब ये जो Mi 10i नाम है ये तो कंफर्म हो चुका है, बट मैं आपको ये चीज बता दूं, ये जल्दी लॉन्च नहीं हो रहा, अभी Xiaomi का इसको लॉन्च करने का कोई प्लान नहीं है। बट यस, Mi 4i के बाद हो सकता है, Mi 4i के बाद कोई i सीरीज का स्मार्टफोन नहीं लॉन्च हुआ इंडिया में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो Mi 4i के बाद इंडिया में Mi 10i स्मार्टफोन आ सकता है। अब ये कब आएगा मैं आपको इतना बता रहा हूं, आगे वाले एक या दो महीने में नहीं लॉन्च होगा, इतना मेरे को पता चला है, उसके बाद हो सकता है हमें इंडिया में Mi 10i देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं iQOO की तरफ। iQOO लॉन्च कर रहा है अपना iQOO 5 स्मार्टफोन। सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि iQOO पैड और iQOO बुक भी आ रहे हैं, उसके ट्रेडमार्क्स भी फाइल किए जा चुके हैं। सुबह की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी आप जाके चेकआउट कर लीजिए। अब iQOO 5 के बारे में इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि iQOO ने कलेबरेट किया है BMW के साथ और iQOO 5 का एक स्पेशल BMW एडिशन भी आएगा। ऑफकोर्स जो स्पेशल ऐसे एडिशंस होते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि बहुत वर्ल्ड चेंजिंग इंटरनल हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। मोस्ट लाइकली क्या होता है कि जैसे 512 GB वाला वेरिएंट है वही स्पेशल वेरिएंट बन के आता है और पीछे की तरफ थोड़ा सा विजुअल एस्थेटिक डिफरेंट होते हैं, उसके अलावा थीम एक होता है अलग से, बाकी इसके अलावा कुछ ज्यादा कुछ खास चेंज नहीं होता। बट ये एक बहुत ही नीश ऑडियंस के लिए होता है जिनको स्पेशल वेरिएंट्स चाहिए, BMW लवर्स के लिए ये iQOO 5 का जो स्पेशल वेरिएंट होगा, हो सकता है ये महंगा होगा। ऑफ कोर्स ये स्टैंडर्ड वेरिएंट से महंगा ही होगा, इतना हमें पता होना चाहिए। बट यस, iQOO 5 के साथ iQOO 5 का एक BMW वेरिएंट भी 17th August को लॉन्च होने वाला है। आगे बढ़ते हैं OnePlus की तरफ। OnePlus का हाइड्रोजन OS 11 और ऑक्सीजन OS 11 जल्द ही अनवील होने वाले हैं। ऑक्सीजन OS 11 के बारे में तो अभी थोड़े बहुत टीजर स्टार्ट हुए हैं आने, बट हाइड्रोजन OS 11 का एक नया टीजर निकल के आ चुका है। एक टीजर वीडियो ऑलरेडी चाइना में लाइव हो चुकी है, ऑफिशियल वीडियो है ये। मैं आपको यहाँ पे अपने ट्वीट का लिंक लगा दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, और साथ में आपको कुछ यहाँ पे इमेजेस दिखा रहा हूँ। विजुअल चेंजेस बहुत सारे होंगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत अच्छी होगी। सुनने में आ रहा है कि अगर आप एक फोटो लोगे उसको भी आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट आपका जो कटआउट होगा वो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे दिखा सकते हैं। अब यार बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हाइड्रोजन OS 11 का जो वीडियो है, कमेंट्स में मैंने देखा था ट्विटर पे कि हाउ इज इट नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड, सारा आइकन्स वगैरह चेंज हो गए हैं, ये है वो है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन OS विल मोस्ट लाइकली स्टिक टू इट्स रूट्स, एंड सेकेंड थिंग इज आइकन का डिजाइन चेंज होने से उसको हम नहीं कह सकते कि स्टॉक एंड्रॉइड जैसा नहीं है, ठीक है ना। स्टॉक एंड्रॉइड की डेफिनेशन बहुत अलग होती है, इट्स नॉट कि भाई आपको जो गूगल ने आइकन दिया है वही आपके फोन में भी है तभी वो स्टॉक एंड्रॉइड बनता है, ठीक है ना। सो लेट्स गेट आवर फैक्ट्स राइट। हाइड्रोजन OS 11 की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ। Realme की तरफ से बहुत सारे स्मार्टफोन आज सर्टिफाई हुए, सो Realme फैंस के लिए अच्छी न्यूज है। Realme RMX 2151 से हम जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी। ये स्मार्टफोन लिस्ट हुआ है चाइना की CQC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे, एंड इस सर्टिफिकेशन की अगर हम माने तो Realme RMX 2151 में हमें मिलेगी एक 4900 mAh बैटरी। ये स्मार्टफोन पहली FCC सर्टिफिकेशन पे भी आ चुका है, दैट मींस ग्लोबली ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, खाली चाइना में नहीं होगा, इंडिया में भी आएगा। इसका नाम अभी के लिए सैडली मुझे नहीं पता।
आगे बढ़ते हैं रियलमी के एक और स्मार्टफोन की तरफ, रियलमी RMX 2200। अब ये एक बिल्कुल नया स्मार्टफोन है। आज ये स्मार्टफोन टेना सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आया है। टेना सर्टिफिकेशन से दो चीजें, तीन चीजें रादर क्लियर हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5G स्मार्टफोन होगा, सेकंड ऑफ ऑल इसमें हमें मिलेगी एक 6.52 इंच की डिस्प्ले, थर्ड ऑफ ऑल बैटरी होगी इसकी 4890 mAh। अब ये स्मार्टफोन का नाम भी अभी नहीं पता, बट रियलमी का एक और 5G स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है और बैटरी अच्छी खासी बड़ी है यहाँ पे। देखते हैं इसका नाम क्या होता है। और लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रियलमी का स्मार्टफोन, रियलमी RMX 2173 भी सर्टिफाई हो चुका है टेना पे। इसमें भी हमें 5G सपोर्ट मिलेगी और साथ में मिलेगा 6.43 इंच का डिस्प्ले, 2100 mAh बैटरी यहाँ पे मिलेगी हमें। 2100 तो बहुत कोई बड़ी बैटरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डुअल सेल बैटरी होगी। अगर आपको पता होगा तो 65 वॉट्स या जितनी भी फास्ट चार्जिंग, बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाले स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें डुअल बैटरीज होती हैं, दो अलग अलग सेल्स होती हैं, सो दैट चार्जिंग के टाइम पे ईज रहे और टेक्नोलॉजी प्रॉपरली रन भी ऐसे ही करती है। सो ये जो स्मार्टफोन होगा इसमें दो अलग अलग बैटरीज होंगी, 2100 डुअल सेल बैटरी, 6.43 इंच की डिस्प्ले होगी, और रियलमी RMX 2170 जो स्मार्टफोन अभी तक हम सोच रहे थे कि रियलमी X3 Pro हो सकता है, हो सकता है ये दोनों सिबलिंग्स हों, बिकॉज मॉडल नंबर ऑलमोस्ट सेम है, बैटरी भी डुअल है, 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। सो ये स्मार्टफोन कुड वेरी वेल बी द अपकमिंग रियलमी X3 Pro। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट न्यूज की तरफ एंड पोको से खत्म करते हैं आज की न्यूज। पोको का इंडिया में तो अभी कुछ अता पता नहीं है, बट ग्लोबली पोको का एक स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, एंड एंगस जो पोको के अपकमिंग स्मार्टफोन को मेरे से पहले लीक करने की ट्राई करे जा रहे हैं, उन्होंने आज एक नया ट्वीट किया था। उन्होंने वैसे ना पोको F2 Pro का एक नया जो कवर आया है उसको, उसका गिव अवे वगैरह किया था, उसका ट्वीट किया था, बट उस ट्वीट में बीच में स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी ने बहुत इनसे सवाल जवाब किए, और इनमें से नादिर जी ने पूछा, आई एम फ्रॉम इंडिया, एनी इन्फो अबाउट अपकमिंग पोको, प्लीज रिप्लाई टू माई टेक्स्ट, आई एम वेटिंग फॉर टू लॉन्ग। और एंगस ने आगे सिखाया, स्टे ट्यून्ड दिस वीक माई फ्रेंड, दैट मीन्स अभी आज हफ्ता स्टार्ट हुआ है, इस हफ्ते के एंड तक हमें पोको का जो अपकमिंग स्मार्टफोन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस यू नो अपकमिंग पोको स्मार्टफोन और नॉट, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल का पोल देख लेते हैं। कल हमने आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा था, आर यू इंटरेस्टेड इन परचेसिंग एक्सेसरीज फॉर योर स्मार्टफोन्स, 66% लोग कह रहे हैं यस, 34% लोग कह रहे हैं नो, ऑलमोस्ट 4000 पीपल वोटेड हियर। तो यस, आपको जल्दी हमारे चैनल पे एक्सेसरीज वाली वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। वीडियोस की अगर हम बात करें तो सुबह हमने वीवो X50 की अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड की थी चैनल पे, अगर आपने उसको नहीं देखा आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अनबॉक्सिंग के अलावा मैंने आपको थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस बताया वीवो X50 का, कि वो कैसा स्मार्टफोन है, क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, अगर आप देखना चाहते हैं आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और आज की वीडियो का पोल आपके लिए है कि आपको कौन सा एंड्रॉइड पसंद है, स्टॉक एंड्रॉइड या कस्टम एंड्रॉइड। मैं किसी स्किन की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी स्किन के फैन हो सकते हैं, MIUI, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ MIUI nowadays, बट स्टिल MIUI हो, Realme UI हो, One UI हो, FunTouch OS, ColorOS, XOS, whatever OS you are a fan of, या फिर आप स्टॉक एंड्रॉइड के फैन हैं, कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और साथ में आप एक कमेंट सेक्शन में यहां पे नीचे लिखो कि यार आपको अगर स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है तो क्यों पसंद है, और अगर आपको कस्टम स्किन्स पसंद है तो आपको क्यों पसंद है। मेरे को पर्सनली कस्टम स्किन्स इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज वहां पे कुछ हमें कुछ ना कुछ एडेड फीचर देखने को मिलता है। स्टॉक एंड्रॉइड बिल्कुल प्लेन होता है, जैसे हमने एक लैपटॉप खरीदा उसमें डॉस OS था, फिर मेरे को विंडोज वगैरह को उसमें फ्लैश करना पड़ा, सो इसलिए मेरे को स्टॉक एंड्रॉइड ज्यादा पसंद नहीं आता। मेरे को कस्टम स्किन्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, हमेशा ही ब्लोटवेयर वगैरह को मैं रूट करके रिमूव कर सकता हूँ। ये थी मेरी पर्सनल चॉइस, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस विद अ लॉजिक अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें बता पाएंगे तो, नहीं इसमें घने होशियार वाली कोई बात नहीं है वैसे। और आज की वीडियो का क्विज आप लोगों के लिए ये है कि एमोलेड की फुल फॉर्म क्या होती है। गूगल पे मत जाना, पहले खुद से ट्राई करो, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, नहीं पता तो गूगल पे ट्राई करके आओ और उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर आप हमें बता पाए तो आप घने होशियार। और वीडियो खत्म करते हैं कल के कमेंट्स के साथ। मधुर रेड्डी साहब कह रहे हैं, आदर्श विनोद स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी क्या गमला है यार, गमला हमारा है यार, मैं लाइट मिल गई नहीं नीचे, देखो ये देखो दिख रही है, जल रही है, कैसी लगी मेरी नई लाइट, पक्का कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो। साई प्रीतम आगे कह रहे हैं, अदर्स फील बैड अबाउट रेडमी 9 इंडिया प्राइस इज 10K एंड चाइनीज प्राइस इज 8.6K, आई फील बैड अबाउट आईफोन 11 प्रो USA प्राइस इज 70K इंडियन प्राइस इज 107K, इंडियन प्राइस 107,000 आईफोन 11 प्रो का, मेरे को इसका आइडिया नहीं था। हाँ सीरियसली, तो यार ये सारी चीजें तो, अगर अगेन मैं यहाँ पे बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई नो वीडियो के यहाँ तक पहुँचते पहुँचते खाली डाई हार्ड स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी मेंबर ही रह जाते हैं, सो आई होप आप ये मेरा पॉइंट समझोगे।
बहुत सारी परसेप्शंस हमारी वियर्ड हैं। कल रात को मैं कुछ यू नो आई वाज हैविंग अ डिस्कशन स्लैश डिबेट विद समवन ओवर द वीवो एक्स 50 प्रो स्मार्टफोन। वीवो एक्स 50 प्रो के अपने प्रोज कॉन्स हैं, सब कुछ है, बट एक चीज मैंने नोटिस की यार, चलो मेरे पास तो वो स्मार्टफोन है लेकिन मेरे पास सारे ही स्मार्टफोन आते हैं, ऐसा नहीं कि खाली मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मी 10 की बारी हमने कहा था कि ये ओवर प्राइस्ड है बिकॉज ऑफकोर्स चाइनीज प्राइसिंग से 10,000 महंगा था। अब यहाँ पे वीवो एक्स 50 प्रो की बारी हमने कुछ भी नहीं कहा, हम कह रहे हैं कि चलो हम अभी भी कह रहे हैं ओवर प्राइस्ड है, ठीक है ना, वो हम कह रहे हैं स्पेक्स के हिसाब से, ठीक है कि इसमें हमें 765G मिलता है, बाकी कोई नहीं देख रहा कि इसमें कैमरा कैसा है, डिस्प्ले कैसी है, कर्व डिस्प्ले है, सारी चीज़ें हैं। बट यस, प्रोसेसर अगर सारा कुछ सब कुछ होता है, अगर मान लिया एक दुनिया है, एक डायमेंशन है जहाँ पे प्रोसेसर इज एवरीथिंग, ठीक है, उस डायमेंशन में भी अगर एक फोन चाइना में लॉन्च हुआ है 4698 yuan का, जो कि इंडियन अगर हम कन्वर्जन करें तो 47,000 नहीं बनता, 50,500 समथिंग बनता है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वैसे मैंने सुबह चेक किया था, रेट ये था। इंडिया में लॉन्च हुआ है ये स्मार्टफोन 50,000 का, मतलब इंडिया में 500 रुपये सस्ता लॉन्च हुआ है ना, ठीक है। तो मैंने नहीं देखा किसी बाहर के बंदे को कंप्लेन करते हुए कि वीवो एक्स 50 प्रो इज ओवर प्राइस्ड, इट्स अ पीस ऑफ शिट और वट एवर, ठीक है। रिव्यू नहीं आया ना अभी, रिव्यू मैं कर रहा हूँ या बहुत सारे क्रिएटर्स कर रहे हैं, तो ऐसे ही मतलब हवा में बोल देना कि ये फोन ओवर प्राइस्ड है, तो चलो ठीक है। पहले तो हम बोलते रहते हैं कि चाइना में, जैसे आपने कहा रेडमी 9 इंडिया में, रेडमी 9 जो है इंडिया में 10,000 का आया, चाइना में 8600 रुपये का था, 1400 रुपीज महंगा है, तो जीएसटी वीएसटी, तो इसका मतलब वीवो का कोई जीएसटी नहीं लगा, जितने का फोन वहां लॉन्च हुआ था उतने का ही यहाँ लॉन्च कर दिया, फिर भी मतलब क्या बोलते हैं ओवर प्राइस्ड है फोन। खाली वीवो की बात नहीं है, कोई भी कंपनी का ऐसा फोन हो यार, थिंक कितने लोग प्रोसेसर के लिए ही फोन लेते हैं, मैं तो नहीं लेता, बहुत सारे ऑफिस गोइंग लोग होंगे जिनको अलग अलग काम के लिए अपने फोन चाहिए होते हैं, कुछ लोग खाली कैमरा के लिए अच्छा फोन लेते हैं, कुछ लोग गुड लुक्स के लिए फोन लेते हैं, कोई हायर रिफ्रेश रेट के लिए, डिस्प्ले के लिए लेते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से जो लोकली अगर कोई सुझाव मांगता है तो मैं पूछता हूँ भाई तेरे को क्या पसंद है, कुछ लोग कहते हैं डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए, कितने लोगों का ऐसा हुआ, लोग कहते हैं डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए यार, ठीक है। कल मेरे को एक बंदा मिला था बाहर जिम जाते हुए, वो बंदा कह रहा कि वो क्या बोलते हैं 1+7 Pro था उनके पास, तो वो कह रहे हैं मैंने इसको इसके डिस्प्ले के लिए लिया, मेरे पास पहले iPhone 10 था, आई डिड नॉट लाइक इट्स डिस्प्ले। सबके प्रेफरेंसेस होती हैं यार, तो इट्स अ मैसेज टू द क्रिएटर्स, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा ये बात, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूबर्स को, रिव्यूअर्स को, सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी। हम कौन होते हैं अपनी ओपिनियन एकदम से वो बोलने वाले कि ठीक है मेरे को प्रोसेसर पसंद है तो ये फोन बुरा है, ये बहुत गलत चीज है। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। अभिषेक मिश्रा आगे कह रहे हैं, नोबडी, लिटरली नोबडी, टीचर हु इज टफ लिस्टिंग्स, मी विनोद। भले इस बात का कोई मेरे को मतलब समझ ना आया हो, बट स्टिल दो कीवर्ड्स यहां पे यूज हुए हैं, टफ लिस्टिंग्स और विनोद, तो चलो वाह वाह आपके लिए, वाह वाह। आगे बढ़ते हैं कमेंटेटर ऑफ द डे की तरफ, एंड शिवम कुमार इज द कमेंटेटर ऑफ द डे, वो कह रहे हैं ओप्पो फाइंड एक्स टू प्रो कॉस्ट वन ब्रेकअप, ऑफकोर्स Now it's time for Mi 10 Ultra 120x zoom, it means two breakups at the same time. Okay, yeah, I hope ये इंडिया में लॉन्च हो, मुझे नहीं लगता वैसे इंडिया में स्मार्टफोन लॉन्च होगा, अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन तो है स्मार्टफोन की, बट स्टिल कंपनीज ना इंडिया में फ्लैगशिप स्मार्टफोन ऐसे लॉन्च करने में डरती हैं, पता है क्या होगा। तो ठीक है, कंग्रेचुलेशन फॉर बिकमिंग द कमेंटेटर ऑफ द डे, और वीडियो खत्म करते हैं स्टफ यू शुड नो के साथ, एंड श्लोक भारद्वाज ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट प्रोवाइड किया, वो कह रहे हैं आई एम द बाल्ड गाय इज द मोस्ट लाइक्ड कमेंट एवर ऑन अ यूट्यूब वीडियो करेंटली सिटिंग एट 3.1 मिलियन लाइक्स। एक कमेंट को 3.1 मिलियन लाइक्स आए, हमारे व्यूज इतने टोटल नहीं हुए हमारे चैनल पे। इट वॉज पोस्टेड बाय सेथ एवरमैन ऑन बिली एलिशिज म्यूजिक वीडियो बैड गाय। This is some interesting stuff that we all should know. और आज देखते हैं, चलो हम अपना stuff listings army के हमारे tech stuff के comments का record बनाने की try करते हैं, देखते हैं किसके comment को सबसे ज्यादा likes आते हैं। 3.1 million तो छोड़ो, हमारे पे 30-40 भी like आ जाए तो वो भी मेरे हिसाब से हमारी family के लिए बहुत होते हैं। हमारे usually commentator of the day के 19 likes हैं, देखते हैं आज हम record इसका break कर पाते हैं कि नहीं। So, there you go guys, ये थी शाम की टेक्स्ट स्टफ, आई होप आपने सुबह वाली वीडियो भी देख ली होगी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा जाके उसको भी चेकआउट कर लीजिए। इन केस यू लाइक दिस वन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस। अब हम करेंगे रेडमी 9 प्राइम की अनबॉक्सिंग, कौन सा कलर वेरियंट होगा मेरे हाथ में रेडमी 9 प्राइम का, गैस मारो, मेरी आंख जूम करे देखो दिख रहा है, पिछली बार किसी ने किया था ऐसा, रेडमी 9 प्रो की बारी, Redmi 9 Pro, Poco M2 Pro, चलो चलो बाय बाय बाय, चाय पीते रहना, चाय पी के सुबह कल वापस से मिलते हैं।
कल आपको हो सकता है एक और वीडियो देखने को मिल जाए, तीन वीडियोस आ जाएंगे कल भी, चलो खुश रहो, सी यू।